हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज डेटा ब्रिक्स के पहले वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हम कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन, हम आज डेटा ब्रिक्स क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पर उसका सिनेरियो है, सिनेरियो बेस आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आज डेटा ब्रिक्स होता क्या है। बेसिकली आज डेटा ब्रिक्स जो होता है कि एक आपका अपाचे स्पार्क बेस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म होता है जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड सर्विस एज प्रोवाइड करता है, क्लाउड सर्विस एज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका ये अजूर डेटा ब्रिक्स जो अलाउ करता है कि कोई भी आपका डेटा हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, या उसको हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसका यूज करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस बोल सकते हैं या तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा, वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। बेसिकली अजूर डेटा ब्रिक्स क्या होता है कि बेसिकली एक सिंगल क्लिक पे आपका सेटअप तैयार हो जाता है। ठीक है, आप उसमें सिंगल क्लिक पे आप जो है डेटा ब्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो होता है, आपका बहुत अच्छा इंटरेक्टिव आपका वहाँ पर वर्क स्पेस होता है, जो आपको प्रोवाइड करता है कि इनेबल होता है कि जिसमें आप कोलेब्रेशन, आप मतलब एक साथ आप डेटा, कोई भी डेटा साइंटिस्ट हो वर्क कर सकता है, फिर आपका डेटा इंजीनियर हो या आपका बिजनेस एनालिटिक्स हो, ये तीनों मिलकर एक साथ जो है आपके डेटा ब्रिक्स के अंदर आप सेम वर्क स्पेस के अंदर वर्क कर सकते हैं, अपना वर्क जो है कर सकते हैं। दूसरा कि अजूर डेटा ब्रिक्स जो है मल्टीपल लैंग्वेज आपका सपोर्ट करता है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं या स्काला यूज़ कर सकते हैं, आर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, स्पार्क एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं, या डॉट नेट, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर एक साथ सभी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, या आप मतलब जो लैंग्वेज चाहें उस लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अजूर डेटा ब्रिक्स जो होता है वो सिंपल इंजन डेटा प्रोसेसिंग के लिए ऑटो स्केलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसमें हम रूबी क्लस्टर क्रिएट करते हैं, बहुत ही पावरफुल हाईली होता है, हाईली ऑप्टिमाइज्ड स्पार्क अपाचे स्पार्क होता है, जो 50 गुना ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। ओके, बेसिकली उसके बाद हम मतलब थोड़ा सा ये आप आर्किटेक्ट होता है, इसके बाद थोड़ा मैं आपको आपको आइडिया देता हूँ, मतलब एक सिनेरियो बेस मैं आपको आइडिया देता हूँ, जिसमें आपका कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको जैसे बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे एग्जांपल कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, बिजनेस एप्लीकेशन, मतलब जैसे मान लीजिए आपका FB है, ठीक है, फेसबुक हो गया आपका, ठीक है, फेसबुक में क्या होगा आपका, जैसे मतलब जो डेटा जनरेट हो रहा है, लाइक हो गया, शेयर हो गया, कमेंट हो गया, जो भी डेटा, लाइक शेयर कमेंट जो भी डेटा मतलब हो गया, सभी डेटा यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, एवरी सेकंड डेटा आपको जो है जनरेट होता है। इससे आपका कस्टम एप्लीकेशन हो गया, कस्टम एप्लीकेशन जैसे मैं बोल दिया, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं किसी गेम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गेम, अब गेम में भी डेटा आपका मतलब बहुत डेटा जनरेट होगा, इसमें एवरी सेकंड डेटा जनरेट होते हैं। जैसे आपको कोई बंदा गेम खेल रहा है, कोई भी अगर मैं यूजर गेम खेलता है तो उसमें मतलब कि आपका मतलब कि गेम से रिलेटेड जो भी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, सभी एक्टिविटी का डेटा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पर, ठीक है, लास्ट टाइम डेटा उसने कब यूज किया था, और उसके बाद मतलब कि कितने टाइम वो एक्सपेंड कर रहा है गेम, कहाँ तक उसने खेला था, ठीक है, उसको मतलब जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन, एवरी इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा जैसे आपके सेंसर डिवाइस हो गया, जैसे आपका सेंसर हो गया मान लीजिए, ठीक है, सेंसर में मतलब क्या होता है कि मल्टीपल सेंसर हो गए, एक डिवाइस हो गई उसमें मल्टीपल सेंसर है, सभी सेंसर क्या हो गए, एवरी सेकंड जो है अपना अपना डेटा जनरेट करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एक सेंसर है, मान लीजिए सेंसर की मैं बात करूँ, टेम्परेचर सेंसर है, वो आपका एवरी सेकंड आपका टेम्परेचर देगा आपका, कोई लाइट सेंसर है वो एवरी सेकंड आपको लाइट सेंसर डेटा जनरेट करेगा, जितने भी सेंसर होते हैं सभी सेंसर क्या करते हैं, एवरी सेकंड आपका डेटा जो है जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर जो भी डेटा ये जनरेट होते हैं तीनों में ही, मतलब आपका आपको तीन सोर्स मैंने एग्जांपल लिया, तीनों में जो भी डेटा जनरेट हो रहे हैं उसका डेटा का जो जनरेट करने की कैपेसिटी है काफ़ी हाई है, बहुत डेटा जनरेट होगा, ये हो सकता है कि एवरी डे आपका मतलब GB में डेटा जनरेट हो। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे आप डेटा जब जनरेट करेंगे आप, बेसिकली क्या होगा तो मतलब कि ये कभी भी रिलेशनल डेटाबेस में कभी स्टोर डेटा स्टोर नहीं हुआ। रिलेशनल डेटा में मतलब जैसे आपका मतलब कोई भी अजूर, कोई एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, या मतलब कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में आपका डेटा जो है स्टोर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करते हैं, NoSQL डेटा यूज करते हैं यहाँ पर। इन सब डेटा को स्टोर करने के लिए मैं अगर बात करूँ मैं तो इनको मैं NoSQL डेटा स्टोर होगा यहाँ पर, NoSQL होगा या आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में होगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं अनस्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका डेटा जो है CSV में डेटा स्टोर हो रहा है, या मैं बात की आपका JSON में डेटा स्टोर हो रहा है, NoSQL जैसे मान लीजिए आपने कोई भी लिया, MongoDB को आपने यूज कर लिया आपने,
ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए कोई भी आपने डेटाबेस आपने ले लिया स्टोर कर लिया। उसके बाद मल्टीपल डेटाबेस है, इसका अलग डेटाबेस होगा, जैसे जैसे CSV भी हो गया, ये आपका क्या हो गया मतलब कि जैसे मान लीजिए CSV हो गया, ये आपका मतलब कोई और, ये आपका मतलब कि जैसे मैं MongoDB में डेटा स्टोर कर रहा है, ये आपका डेटा जो है MongoDB में कर रहा है, ठीक है। ये तीसरा आपका मतलब कि कोई और डेटाबेस है, जो जैसे मतलब कि NoSQL डेटाबेस है, या मतलब कि कोई भी मतलब और डेटाबेस है जो मतलब कि फाइल बेस्ड डेटाबेस, जैसे मैं बोल दिया है ये TXT में डेटा स्टोर कर रहा है। ये तीनों तीन फॉर्मेट डेटा आपके जो है स्टोर हो रहे हैं तीन फॉर्मेट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों फॉर्मेट डेटा को हमें इन तीनों पे हमें क्या करना है, क्योंकि आपको या 1x1 कर सकते हैं या तीनों को एक साथ हमें क्या करना है कि डेटा को प्रोसेस करना है। अब हमें ये हमारे ये रॉ डेटा होगा, इन रॉ डेटा पे हमें डेटा ट्रांसफॉर्म करना है। डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक मतलब कि एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। जैसे रिपोर्ट की मैं बात करूँ, जैसे आपका जैसे मैं मतलब कि पहले फेसबुक की बात किया, अब फेसबुक में बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कितने यूजर यूज कर रहे हैं, कितने यूजर जो है वहाँ पर डे मतलब कि कितना कितनी बार जो है मतलब कि कोई चीज़ लाइक कर रहे हैं, कितने पोस्ट शेयर कर रहे हैं, यूजर वाइज डेटा को हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर है फिर अब आपको आप जो भी मतलब कि कोई एक फेसबुक में कोई भी यूजर है जो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसमें, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पर मतलब कि उसने लास्ट टाइम कब यूज़ किया था फेसबुक को, वो भी आ जाएगा। लास्ट टाइम कौन सा शेयर पोस्ट किया था, उसने क्या कमेंट किया था, ठीक है, और उस मतलब किस पोस्ट पर कमेंट किया था, जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी इन्फॉर्मेशन जो है मतलब कि कितने एक दिन में कितने पोस्ट पर कमेंट कर रहा है एक दिन, सभी इन्फॉर्मेशन एज ए रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसे गेम में मतलब रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम उसने कभी यूज किया था, कितने टाइम मतलब कि गेम खेल रहा है, लास्ट टाइम कितने कहाँ तक गेम खेला था, सभी इन्फॉर्मेशन एज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, डे वाइज कर सकते हैं। अब तो एवरी डेटा जो है आपका जनरेट होगा एवरी सेकंड, बट डे वाइज में रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, वीकली रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, मंथली रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, हम ये सब निकाल सकते हैं, सेम ऐसे डिवाइस कर सकते हैं। अब क्या होगा, हमारा डेटा जो है तीनों एक अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों डेटा को एक लोकेशन पर लाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, तीनों डेटा को हम एक लोकेशन में लेके चले आएंगे, ठीक है, एक लोकेशन में डेटा स्टोर कर देंगे ब्लॉब स्टोरेज में। कोई भी मैं एग्जांपल ब्लॉब डेटा के ब्लॉब बोल रहा हूँ, आप कहीं भी मतलब कि ब्लॉब अजूर के केस में ब्लॉब स्टोरेज ये बेस्ट ऑप्शन है, तो ब्लॉब में आपका स्टोर जाएगा। फिर अब जब स्टोर हो गया, अब इसमें इन तीनों लोकेशन से हमें क्या करना है, डेटा हमें इसमें ब्लॉब में लाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली हम जो है मतलब कि कोई भी इंग्लिश सर्विस यूज कर सकते हैं, ETL सर्विस यूज कर सकते हैं, डेटा जो डेटा हमें इंग्लिश का है। जैसे मैं बोल दिया हमें मतलब कि यहाँ पर MongoDB है, MongoDB डेटा इसमें लाना है, तो मैं ADF यूज़ कर लूँगा, यहाँ पर मैं ADF यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, डेटा फैक्ट्री यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी मतलब मैं डेटा फैक्ट्री यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई और मतलब कि सर्विस है ETL सर्विस है जो कि मतलब कि यूज़ कर रही डेटा को यहाँ पर स्टोर कर रही है, मतलब ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है तीनों की इन्फॉर्मेशन डेटा एज रॉ डेटा यहाँ पर आके यहाँ पर आपके डेटा को स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका यूज करके इन रॉ डेटा को हमें मतलब कि एज पर द आवर रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास ये डेटा इसमें डेटा एवरी डे अगर मतलब 5 GB डेटा स्टोर हो रहा है, तो इन 5 GB डेटा पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे हम ब्लॉब स्टोरेज से, उसके बाद जो है उस पर हम किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ, जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया यहाँ पर प्रीवियस मतलब की कॉल में, यहाँ पर मतलब इतने लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पाइथन स्काला आर कोई भी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उस लैंग्वेज का यूज करके हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद अपने हिसाब से रिपोर्ट को क्रिएट करने के बाद किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर डेटा मतलब रिपोर्ट क्रिएट होने के बाद आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन डेटा हम कहीं पर स्टोर कर सकते हैं इजीली, जैसे हम मतलब कि आपको CosmoDB में स्टोर कर लें, या Cosmo मतलब NoSQL डेटाबेस, ये NoSQL डेटाबेस है, ठीक है, ये आपका चाहे मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस है Azure SQL, फिर आपका यहाँ पर मतलब कि डेटा वेयर हाउस है, कहीं भी आप डेटा को आपका है स्टोर कर सकते हैं एज पर द योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप डेटा को आप पावर BI में शो करिए, या जहाँ भी आपका मतलब कि आपकी पावर BI कोई भी रिपोर्टिंग टूल है वहाँ पर डेटा को हम शो कर सकते हैं, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है बेसिकली। उसके बाद जो है आई होप कि आपको क्लियर होगा मतलब कि हम क्यों मतलब कि डेटाबेस को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर इसको यूज होता है। तो बेसिकली यहाँ पर डेटाबेस का यूज होगा डेटा को मतलब कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यहाँ से डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, अब हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मतलब ये है कि हम डेटाबेस क्यों यूज़ करें, क्योंकि आपका काफ़ी मतलब कि डेटा जब बहुत ज़्यादा होता है, डेटा साइज ज़्यादा होता है, इस केस में आपका मतलब डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है जो डेटाबेस जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है,
ठीक है, इस केस में जो डेटाबेस का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद बेसिकली ऐसा है कि हमें यहाँ पर मतलब कि कंसेप्ट आता है कि बेसिकली क्या होता है कि अपाचे स्पार्क इको सिस्टम क्या होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे मतलब यहाँ पर सिस्टम है आपका, मतलब स्पार्क स्केल हो गया, डेटा फ्रेम हो गया। जैसे इस स्पार्क स्केल मतलब एक लैंग्वेज समझ लीजिए, यहाँ पर डेटा फ्रेम ये नथिंग। डेटा फ्रेम क्या होता है आपका, ये समझ लीजिए टू डायमेंशन अरे, जिसमें मतलब क्या होता है कि आपका डेटा मतलब स्टोर होगा, अरे टेबल डेटा स्टोर होगा, जिसपे आप मतलब सिलेक्ट एस्टिक फिल्टर कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रीमिंग के लिए होता है। स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कि आप डेटा को स्ट्रीम कर सकते हैं। जैसे मतलब कि आपको कोई भी आजकल मतलब कि OTT जितने चल रहे हैं, OTT वो डेटा स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है। ठीक है, जैसे IPL आ रहा है उसमें मतलब डेटा आपको मतलब कि आप हॉटस्पॉट हो गया आपका, जो भी होता है मतलब कि हॉटस्टार हो गया, जो भी मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है डेटा स्टोर होता है। अब ये ऑलरेडी आप इसमें मतलब कि मशीन लर्निंग के सभी मतलब लाइब्रेरी इसमें इनबिल्ट होती है, और उसके बाद आपको ग्राफ का लाइब्रेरी इनबिल्ट होती है। ठीक है, इसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आपका मतलब कि इसमें स्पार्क API कोर API, जो स्पार्क कोर API होता है, इसमें क्या होता है आपका आर लैंग्वेज होता है, SQL होता है, पाइथन होता है, जावा होता है, स्काला होता है, ये सब आपका होते हैं API होते हैं। इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में और डिटेल में हम देखेंगे, अभी के लिए अभी यहाँ पर। ठीक है, दूसरा होता है कि यहाँ पर आपका अजूर डेटा ब्रिक्स में मैं बात करूँगा मैं, तो यहाँ पर मतलब जैसे देखिए डेटा ब्रिक्स है, आपके यूजर है। ठीक है, जैसे यूजर आपके हो गए पीपल मतलब डेवलपर हो गया, जो जैसे आपका डेटा साइंटिस्ट अलग हो गया, आपका डेटा इंजीनियर अलग हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, और भी मतलब जितने यूजर हैं सभी हो गए। अब हमें डेटा ब्रिक्स को यूज़ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वर्क स्पेस मतलब कि एक लोकेशन पे सभी लोग अपना अपना डेटा जो है मतलब अपना डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने डेटाबेस हमने वर्क स्पेस क्रिएट किया, वर्क स्पेस में जाके सभी लोग अपना अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई यूजर है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, जैसे मैं ये पाइथन यूज कर रहा है वो इजली कर सकता है, डेटा इंजीनियर है स्पार्क इसको यूज कर रहा है। ठीक है, आपका मतलब कि कोई भी बिजनेस एनालिस्ट है वो भी मतलब मान लीजिए आर लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो एक साथ सभी लोग मतलब एक लोकेशन पे अपने मतलब कि डेटा का मतलब वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना डेवलपमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली मतलब कि डेटा वर्क फ्लो क्या होता है, ये सब उसमें होता है, रन टाइम होता है, इसमें हम कैसे डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, जो भी क्लस्टर है आपका डेटाबेस इनपुट आउटपुट होता है आपका, ये सब सर्वर डेटाबेस सर्वर ये सब अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही हम करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है अभी डेटाबेस में, जैसे आपका मतलब कि अजूर ब्लॉब स्टोरेज सपोर्ट कर रहा है, डेटा लेक स्टोर कर रहा है, वेयर हाउस कर रहा है। ठीक है, अपाचे काफका हडूप स्टोरेज ये सब का है आपको मतलब यहाँ पर बहुत इजीली कैपेबिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये रिपोर्टिंग सर्विस हो गई, जैसे मशीन लर्निंग हो गया आपका, पावर BI हो गया आपका। ठीक है, डेटा फैक्ट्री हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर मतलब कि ईजिली आपको एक्सेबिलिटी मिल जाती है यहाँ पर। ओके, आई होप कोई मतलब कि इसके बारे में और भी डिटेल हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर समझिए मतलब कि मेन यहाँ पर वर्क स्पेस होता है। उसके बाद आपके इसके बेनिफिट होते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, बेसिकली डेटाबेस के मैक्सिमम बेनिफिट क्या होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि मैंने जैसे बताया प्रीवियसली मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि एक साथ जो होता है कि मतलब कि डेटा इंजीनियर हो गया या फिर एनालिस्ट हो गया, फिर आपका डेटा साइंटिस्ट हो गए, सभी लोग एक साथ सेम टाइम पे सभी लोग अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज चूज़ करके अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जैसे आपका डेटा साइंटिस्ट हो गया आपका SQL यूज करे, आपका डेटा इंजीनियर आपका पाइथन यूज कर सकता है, आपका मतलब डेटा एनालिस्ट हो गया आपका मतलब कि आर लैंग्वेज यूज कर, कोई भी मतलब एक साथ सब लोग अपना मतलब कि यहाँ पर कर सकते हैं नोटबुक में अपने हिसाब से मतलब कि वो उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका एक मतलब कि यू कैन इंटीग्रेट द अजूर डेटा लेक, मतलब इसको आप मतलब इजीली जो है इसका यूज इंटीग्रेट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, अजूर डेटाबेस के साथ आपका डेटा लेक स्टोर हो गया, ब्लॉब स्टोरेज हो गया आपका, स्टोर टू स्टोर के लिए मतलब आपका ब्लॉब स्टोरेज हो गया, डेटा लेक स्टोर का स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं, डेटा स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव के लिए यूज कर सकते हैं, या आप किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए इजीली इसका यूज कर सकते हैं। डेटा इसमें कह सकते हैं डेटा फैक्ट्री के थ्रू कह सकते हैं, डेटा फैक्ट्री कैन बी यूज पार्ट ऑफ द योर क्लाउड बेस्ड एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड एज ए प्रोसेस, मतलब इसका डेटा फैक्ट्री में इसका यूज मतलब कि यूज कर सकते हैं इसको आप इजीली। ठीक है, तीसरा इसका एक इसको आप मतलब कि इजीली आप मतलब कि स्नैप एनालिसिस जो स्नैप एनालिसिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, कॉस्मोस DB मतलब कि भी यहाँ पर मतलब इसकी एबिलिटी होती है, जो DB के साथ भी कर सकते हैं, SQL DB के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेन इसका एक मतलब यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो होता है आपका मतलब यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आपका इंटीग्रेटेड होता है, जो कि मतलब आपका एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ईजी होता है यहाँ पर। ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं आप शो कर देता हूँ पोर्टल पे कहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ पर कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं शो कर देता हूँ, लेकिन अपकमिंग वीडियो में कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ, जब यहाँ पर जाएंगे आप देख लीजिए डेटाबेस के लिए।
यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर आप मतलब कि या चाहे यहाँ से मतलब कि यहाँ पर आप सर्च करते हैं, सर्च कर सकते हैं डेटा ब्रिक्स, ठीक है। आपको यहाँ पर सर्विस मिल जाएगी डेटा ब्रिक्स की। यहाँ पर मतलब कि देखिए यहाँ पर डेटा ब्रिक्स आ गई, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे, डेटा ब्रिक्स का वर्क स्पेस यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रिएट पर जाएंगे आप, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आगे जाएंगे तो आपको मतलब कि नेक्स्ट फर्दर में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे आपका एक सब्सक्रिप्शन नेम हो गया आपका, या आपका रिसोर्स ग्रुप नेम हो गया आपका, यहाँ पर आपका मतलब कि वर्क स्पेस नेम हो गया आपका, कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ये, मतलब कि प्राइसिंग टेयर है क्या होता है, ये सब अपकमिंग वीडियो में वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक हम करते हैं। आई होप आपको डेटा ब्रिक्स का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।